नमस्कार, आज हम जानेंगे गणतंत्र दिवस यानी अंग्रेजी में बोले तो रिपब्लिक डे के बारे में। 15 अगस्त 1947 ये दिन तो हर भारतीयों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमें काफी लोगों के विश्वास और कड़े परिश्रम के वजह से अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। इस दिन करोड़ों लोगों का सपना सच हुआ था, पर इसी आजादी के साथ दुनिया ने भारत देश के सामने कई सवाल खड़े किए थे, जैसे कि आजादी तो मिल गई, पर क्या भारत अपने आप को फिर से वही एक मजबूत देश की तरह खड़ा कर पाएगा? क्या उनमें इतनी ताकत है कि वो पूरा देश जो बिखरा पड़ा है उसको एक करके सबको विश्वास दे पाएगा? ऐसे कई सवाल उठ रहे थे उस समय, पर कई महान हस्तियों के मन में भारत देश के लिए एक बुलंद सोच और दृष्टि थी, जिसको सच में परिवर्तित करने में वह काफी हद तक सफल हुए, और आज भी हमारा देश उस दिशा में प्रगति कर रहा है। उस समय सबसे बड़ा सवाल अपने संविधान यानी अंग्रेजी में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने पे था, जो हमारे पास उस समय नहीं था। संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय या स्थापित मिसाल होता है, जिसके अनुसार किसी राज्य या संगठन को शासित माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में 28 अगस्त 1947 को संविधान बनाने के लिए एक संपादक मंडल यानी अंग्रेजी में बोले तो ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाए गए। ये सदस्य भारत की राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। वैसे तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, पर उसको लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया। इसके पीछे एक ऐतिहासिक वजह है। 26 जनवरी 1930 को इसी दिन भारतीय नेशनल कांग्रेस ने देश में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, इसलिए इसे गणतंत्र दिवस चुना गया। पूरे देश ने 26 जनवरी 1930 को इसको स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए हमारे संविधान को भी इसी दिन से लागू करना चालू किया गया, और तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।